बीजेपी रायपुर दक्षिण उपचुनाव की तैयारी में जुट गई है। बीजेपी मंत्री, विधायकों और पदाधिकारियों की अलग अलग जिम्मेदारी तय कर रही है, उनको जिम्मेदारियां सौंपी जा रही हैं। इसी कड़ी में रायपुर के विधायकों को भी पार्टी में अलग अलग मंडलों की जिम्मेदारी दी गई है। रायपुर उत्तर के विधायक पुरंदर मिश्रा को सिविल लाइन्स, रायपुर ग्रामीण के विधायक मोतीलाल साहू को पुरानी बस्ती की जिम्मेदारी दी गई है। रायपुर पश्चिम के विधायक राजेश मूणत को लाखे नगर मंडल की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा केदार गुप्ता और अवधेश जैन को सदर बाजार मंडल का प्रभार दिया गया है। तो तमाम जो बीजेपी के नेता हैं, विधायक हैं, उनको छोटे छोटे इलाकों में जिम्मेदारियां दी गई हैं कि वहां पर वो बीजेपी के पक्ष में माहौल बना सके। आपको बता दें कि रायपुर दक्षिण उपचुनाव को लेकर 13 नवंबर को वोटिंग होने वाली है और 25 तारीख को परिणाम आने वाले हैं। इसको लेकर बीजेपी ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है, उम्मीदवार का ऐलान भी पहले किया गया था और जिम्मेदारियों को भी अब तय किया जा रहा है। रायपुर दक्षिण में उपचुनाव होना है, चार मंडल में चार प्रभारी बनाने का चर्चा हुआ है, जिसमें मैं हूँ, मोतीलाल साहू जी हैं, राजेश मूणत जी हैं, केदार गुप्ता और अवधेश जैन, ये सब चार मंडल का काम देखेंगे। और हम इसमें पूरे कार्यकर्ता मुस्तैदी से जो उस खरोच से लड़ेंगे और दक्षिण को जिस तरह हम पिछले 8 बार से ब्रिजमोहन जी को जिताते आते रहे हैं, वैसे सुनील सोनी को भी जिताएंगे। तो बीजेपी की तैयारियां कैसी हैं, ये समझ लेते हैं। हमारे संवाददाता कोमन साहू हमारे साथ जुड़ गए हैं। कोमन, बीजेपी ने तमाम नेताओं की ड्यूटी लगानी शुरू कर दी है। वही मैं कह रहा था कि वो सबसे आगे चलने वाली पार्टी बीजेपी इसलिए रहती है क्योंकि उम्मीदवारी का ऐलान पहले हुआ, अब जिम्मेदारी पहले तय कर दी गई है। फायदा बीजेपी को मिल सकता है क्या रायपुर दक्षिण में? देखिए, फायदा तो मिलेगा ही सूरज, लेकिन उसके पहले भारतीय जनता पार्टी को जीत की मशीनरी जो है, इसलिए भी नहीं कहा जाता क्योंकि देखिए पहले ही प्रत्याशी तय कर लिए गए। दूसरी बात, एक एक पदाधिकारी, एक एक विधायक, एक एक मंत्री को जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। अभी तक कांग्रेस पार्टी ने ना प्रत्याशी जो है ऐलान किया है, ना दूसरी ओर जिम्मेदारी भी तय की है। समझा जा सकता है किस तरीके से पीछे चल रही है कांग्रेस पार्टी। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी लगातार तैयारियों में जुटी है, मंडल स्तर के कार्यकर्ताओं से बातचीत किया जा रहा है, इसके अलावा बूथ स्तर पर जाया जा रहा है। 8 बार से भारतीय जनता पार्टी रायपुर दक्षिण चुनाव को जीतते आ रही है। ब्रिजमोहन अग्रवाल चूंकि अब रायपुर के सांसद बन गए हैं, इसलिए वो सीट खाली हुई है, तो सुनील सोनी को प्रत्याशी बनाया गया है। अब लगातार उपचुनाव की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी जुड़ी है और यही कारण है कि लगातार बैठक पर बैठक हो रहा है रायपुर दक्षिण में। अब रायपुर दक्षिण को लेकर अब भी बैठक चल रही है, जिसमें जो प्रभारी मंत्री हैं श्याम बिहारी जायसवाल, इसके अलावा रायपुर सांसद हैं वो भी मौजूद है, तमाम विधायक हैं, मोर्चा प्रकोष्ठ के तमाम पदाधिकारी हैं, युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, किसान मोर्चा, तमाम लोग बैठक पर मौजूद है। आज की बैठक में तय होगा कि कौन जो पदाधिकारी है वो किस बूथ में रहने वाला है, कौन से कौन मंडल की जिम्मेदारी निभाएगा। तो हर एक पदाधिकारियों को जिम्मेदारी तय की जा रही है सूरज। तो यानी बूथ स्तर पर भी जिम्मेदारी तय करने के लिए अभी बैठक चल रही है। बहुत अहम जानकारी आपने दी है कोमल, बने रहिएगा हमारे साथ। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से अपने प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया, इस पर सियासत भी हो रही है। आप बने रहिए हमारे साथ, हम जरा सुनवा देते हैं कि किस तरीके से सियासत चल रही है रायपुर दक्षिण के लिए। कांग्रेस पार्टी ने अब तक प्रत्याशी घोषित नहीं किया, हमारे संवाददाता भी बता रहे थे कि किस तरीके से बीजेपी को एज मिलता दिखाई दे रहा है। मामले में उप मुख्यमंत्री अरुण साव का बयान सामने आया है, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के पास कोई नेता नहीं है, कांग्रेस पार्टी डरी हुई है, घबराई हुई है और हार को देखते हुए ही कांग्रेस तय नहीं कर पा रही है। दो तस्वीरें देखिए, ये पहली तस्वीर जो है वह बीजेपी के प्रत्याशी की है, सुनील सोनी की तस्वीर थी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय लगातार बैठक ले रहे हैं, तमाम बीजेपी के नेता बैठक में बैठे हुए हैं। लेकिन दूसरी तरफ की तस्वीर देख लीजिए, वहां पर दीपक बैज अभी भी इसी वापो में है कि किस नाम पर जो है वो अंतिम मुहर लगाई जाए। आकाश शर्मा, प्रमोद दुबे का नाम आगे चल रहा है, AICC ने अब तक फैसला नहीं लिया है। तो ये स्थिति कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में है कि बीजेपी ने अपने उम्मीदवार का नाम भी तय कर दिया है, बैठकें चल रही हैं, बूथ स्तर पर किस तरीके से जिम्मेदारी दी जाए उसको बैठक लेकर चल रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी अब तक तैयारी नहीं कर पाई। अरुण साव ने इस पर तंज कसा है, क्या कुछ कहा अरुण साव, मुख्यमंत्री ने सुनवाते आपको। देखिए, कांग्रेस के हालात खराब हैं, उन्हें पता है कि रायपुर दक्षिण की जनता मन तैयार करके बैठी है भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देने के लिए, और कांग्रेस के पास कोई नेता है नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने दिग्गज नेता को प्रत्याशी बनाया है
और इसलिए कांग्रेस पार्टी डरी हुई है, घबराई हुई है हार को देखते हुए, वो तय नहीं कर पा रहे हैं कि क्या करें। हालांकि उप मुख्यमंत्री के स्तंभ पर दीपक बैज ने भी पलटवार किया है। दीपक बैज ने कहा है कि रायपुर दक्षिण उपचुनाव के लिए शाम तक कांग्रेस पार्टी अपने प्रत्याशी का ऐलान कर देगी, यानी आज शाम तक कांग्रेस पार्टी अपने प्रत्याशी का ऐलान कर देगी। कांग्रेस पार्टी दमदारी के साथ रायपुर दक्षिण का चुनाव लड़ने वाली है, ये कहना दीपक बैज का। क्या कुछ कह रहे हैं वो, उनके दावे क्या है, सुनवाते हैं आपको। तो आज कल थोड़ा सा लेट हो गए, लेकिन संभवतः आज मुझे पूरा विश्वास है कि शाम तक रायपुर दक्षिण का प्रत्याशी कांग्रेस का ऐलान हो जाएगा। कोमन मेरे सहयोगी लगातार मेरे साथ जुड़े हुए हैं रायपुर दक्षिण उपचुनाव को लेकर, जो भी अपडेट है, जो भी खबर है वो विस्तार न्यूज आप तक साझा कर रहा है। कोमन, दीपक बैज बहुत मुस्कुरा कर कह रहे थे कि शाम तक जो भी प्रत्याशी होगा आपको ऐलान कर देंगे, चिंता में नहीं नजर आ रहे हैं। लेकिन दीपक बैज ने यह भी कहा है कि पार्षदों और छाया पार्षदों को जिम्मेदारी हमने भी दे दी है, हमारे लोग जमीन पर काम कर रहे हैं, सिर्फ प्रत्याशी का ऐलान होना है, शाम तक कर देंगे। कांग्रेस पार्टी के लिए खोने के लिए कुछ भी नहीं है। रायपुर दक्षिण को भारतीय जनता पार्टी का किला माना जाता है, 8 बार से रायपुर के मौजूदा सांसद हैं वो जीतते आए हैं, ब्रिजमोहन अग्रवाल। उस गढ़ में फिर से भारतीय जनता पार्टी ने, जो पूर्व में सांसद रहे हैं, 2 बार के महापौर रहे हैं सुनील सोनी को टिकट दिया है, और इस पूरे चुनाव के संचालन किनको दिया है, जो 8 बार से विधायक उस विधानसभा क्षेत्र में रह चुके हैं उनको जिम्मेदारी दी गई है। दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी लगातार तैयारी में वो भी जुटी हुई है, हालांकि अब तक प्रत्याशी जो है वो तय नहीं कर पाई है। हालांकि दो नामों पर लगातार मंथन किया जा रहा है, AICC को भेज भी दिया गया है नाम, लेकिन अब तक AICC फैसला नहीं ले पाया कि आखिर टिकट किसको देना है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी जो है वो पिछड़ती जा रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार बैठक कर रही है, बूथ पर कर रही है, मंडल पर कर रही है, जिला स्तर पर कर रही है, विधानसभा स्तर पर कर रही है, और एक एक पदाधिकारियों को, एक एक कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपी जा रही है एक एक बूथ की, कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कितने लीड के साथ जीत सके। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी इस उपचुनाव को भी हल्के में नहीं लेना चाहती, और तमाम बड़े नेताओं को भी इसकी जिम्मेदारी दी जा रही है और लगातार बैठक कर रही है। और आने वाले दिनों में अब देखने वाली बात यही होगी कि इतनी बड़ी तैयारी भारतीय जनता पार्टी के, दूसरी ओर कांग्रेस है, बीजेपी तो खैर किसी भी चुनाव को लाइटली नहीं लेती है। तमाम चुनावों में मुख्यमंत्री से लेकर बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता संलिप्त रहते हैं। कांग्रेस पार्टी के साथ पता नहीं है क्या दिक्कत हो जाती है, हर चीज में लेट लतीफी रहती है, हर चीज में, और इसका खामियाजा भी उनको भुगतना पड़ता है। हालांकि देखना होगा किन नामों पर सहमति बन पाती है। बहुत शुक्रिया कोमल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।